आपने हमारे बात को नजरअंदाज किया, लापरवाही की है। मैंने इसको 24 घंटे पहले ही तो पता चला आप पत्थरबाजी किए हैं। कौन आप लोग पत्थरबाजी किए हैं? कौन से सामने भी पत्थरबाजी किए हैं? आप पत्थर चला रहे थे मारने के बाद भी। ऐसा ऐसा क्या होता था? ऐसा क्या आपको भी लगता है कि इतने बड़े गुंडे हो गए हो? खिलाड़ी के ना उत्तर प्रदेश के जाएंगे, खुद जाएंगे, हम खुद जाएंगे। की चिंता कर रहे हैं आप? दाता की समाजवादी के गुंडे बने हुए हैं। सपा की सरकार 20 साल नहीं आनी है, भूल जाओ तुम लोग। नहीं मानते तो फिर हम लोग आगे, मैं फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। 20 साल सपा की सरकार नहीं आनी है, सुन लो, ये गुंडा नहीं होने दिया जाएगा। इस भूत प्रेत संवेदनशील हम लोगों को, मुझे पचास पत्थर मुझे लगे थे। कितने गुंडे हैं यहाँ समाजवादी के? वाह भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हत्या तक हो जाएगी। हम पूछ के मारा गया मैडम, लॉ करता था ऐसी नहीं हुई है। मैडम तो सीधे साथ में फोन कर दीजिए, लगाइए जेसीबी, गुंडे खत्म करें, जेसीबी लगाइए। सीएम साहब आदेश दीजिए, अब जहाँ से जिसका आदेश कहिए तो मैं सीएम साहब से बात करूँ। महाराज जी अभी बनारस में आए और हमारे गृह मंत्री जी बनारस में हैं। डॉक्टर मेहनत पांडे जी एक घंटे के अंदर जिले में आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तत्काल कार्रवाई करिए आप लोग, अभी बात नहीं हो रही। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। झंडा दिखाया था, वही काला झंडा, यही तो वही लोग, वही लोग किसी को दिखाए तो वहाँ जेल गया था। जेल तो कहा था कि मैंने काला झंडा दिखा दिया था, तुम लोगों ने क्या वही काम कर रहे? हमने बात आपको बताया था, ये वहाँ दिखाने सब लाठी लेकर हथियार तत्काल लेकर मेरे कार्यकर्ताओं की हत्या हो। और सपा की मेरा भाई था, बेटा मेरा भाई था बड़ा, आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप लोगों के पास कंप्लेन गया था ये लोग? हाँ बेटा कंप्लेन गया, हम मैडम भी थी, मैडम भी थी। सुला करवाएंगे बीएचयू के स्टूडेंट है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैडम आप उसका चेहरा देख लेते तो दिल दहल जाता उसका, ये यहाँ से अलग था, इससे मुँह तरफ खुल गया था, मुँह खुल गया था। SHO के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं एक्शन लिया है। आप लोग आएंगे जो लड़ाई झगड़े किसके में भुगत कौन रहा है? कौन है कमला यादव? बुलाइए यादव लोग को, आप लोग पुलिस में यादव ऐसे आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बकायदे मैडम फोन करके एक आदमी को बुलाया गया, फोन करके बुलाया गया है, इस बच्चे को फोन करके बुलाया गया, रिकॉर्ड भी दिखाया गया है, इनको फोन किया गया था। खान साहब को तो हम फोन किए, तत्काल कार्रवाई हो। मैडम अगर SHO साहब का सही समय पर राइट टाइम हुआ तो ऐसा घटना ना होता। अगर मैडम वो एक्शन ले लिया होता तो अभी तक SHO साहब अगर सही समय पर एक्शन लिया होता तो ऐसा घटना ना होता। नहीं होता, ये पैसा का खेल रहा था, बिरादरी को बचा रहे थे अपने, पैसा का खेल रहा था। बॉडी कॉल ले गया अभी मीडिया को बुलाया थे, 4:30 बजे दीदी भोर में हमको फोन करके बुला के कमला यादव बुला रहे थे यहाँ दुकान पे। हमारे यहाँ हमारे गाँव में निकाल के अरे 3-4 दिन पहले छोटा सा विवाद हुआ था गाड़ी का, हमने कहा कौन सिपाही था? वो थाने के थे कुछ लोग आए, एक चेहरा पहचाने गए, नाम नहीं सब हम लोग का पूरा घर बजाया जा रहा था वहाँ पे। यहाँ अभी आज आप बोल रहे तुरंत एक्शन होने के 3 दिन पहले, छोटी दिवाली वाली बात है, दिवाली बीत गई, छठ बीत गया, ये दिन नहीं आता, एफआईआर कॉपी लेना, एक बार पहले दो
घटना तो हमने आपको दो दिन पहले हमारे यहाँ से 150 लोग गए थे मेरे। हाँ मैंने आपको बताया, आपके इंस्पेक्टर साहब बताई थी, आप लोगों ने इस चीज को हल कर लिया। हमने बताया कि मेरा झंडा फूका गया लोकसभा के चुनाव में, हम नेताओं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर पथराव हुआ, 50 पत्थर हम लोग खाए और उसके बाद हमारा वोटर लिस्ट फूका गया, हमारे कार्यकर्ताओं को फूट के कार्यकर्ताओं को। ये वीडियो देखिए सर, ये आपके पुलिस कर्मी ये थे दिखा रहे जो इन्वॉल्व थे। चला चला भेजिए एविडेंस आपके पास है, सारा थाने में दिखाइए आप मेरे को। विधायक जी को भेजिए, ये देखिए ये जो है योगी जी तक बात पहुंचाएगी मीडिया ही। आप जहां पे हत्या हुआ वो देखिए, जहां हत्या हुआ वो देखिए, जहां हत्या हुआ देखिए। चल रहे चल रहे, बोले बात वहां जाने दीजिए। क्या कहना है, देखिए जो न्याय इन लोगों को दिलवाना है। इतनी बड़ी घटना हुई है यहाँ, क्योंकि यहाँ समाजवादी के गुंडे रहते हैं। ये चेतावनी इन लोगों ने बड़ा अच्छा दिया है, सरकार योगी जी के नेतृत्व में है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। जैसे हत्या इन लोगों ने किया है, इन लोग सलाखों के भीतर जाएंगे, इनका कोई जुगाड़ सोर्स नहीं लगेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, दीनदयाल नगर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी का सफाया हो गया है। ये लोग बौखला गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के मतदाता और कार्यकर्ताओं पे जो इन्होंने हत्या किया है, ये हत्या का जवाब हम लोग बहुत जल्द इनको देंगे। मैडम जो सूचना आ रही है, जो इनपुट आ रहा है, वो ये है कि बैनर को लेके हुआ भारतीय जनता पार्टी बैनर था, उसके बाद समाजवादी पार्टी का बैनर लगाने को लेकर हुआ, तो आप नहीं समझते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ज्यादा बढ़ते जा रही है? जी हाँ, 11 तारीख को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में 100-125 हमारे भारतीय जनता पार्टी के मतदाता और कार्यकर्ता मेरे भी ऑफिस में आए थे। मैंने सीओ सदर को और इंस्पेक्टर अली नगर को मैंने सूचना दिया था कि वहाँ देखिए लोकसभा के चुनाव में हम सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर यहाँ इस बूथ पे लाठीचार्ज हुआ, उन सबों ने पत्थर मारा, हम लोगों की गाड़ियां तोड़ी, हमारे बूथ के और नेताओं के साथ हाथापाई किया, वोटर लिस्ट फाड़ा, झंडा भारतीय जनता पार्टी का जलाया, उस सब तहरीर है बाई नेम हम लोगों ने बताया। लेकिन थोड़ी सी चूक हुई है प्रशासन की तरफ से और हमारे महाराज जी बनारस में है, हमारे गृह मंत्री जी बनारस में है और डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी जनपद में आने वाले हैं और ये सारी सूचना हम लोग भी देंगे और आप लोग भी दीजिए और जो समाजवादी के यहाँ